नमस्कार, ये वाली वीडियो होने वाली बहुत ही खास, क्योंकि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 450S जो कि एथर का नया मॉडल आया है, लेटेस्ट। और अभी आप इसमें देखेंगे काफ़ी सारा कुछ चेंज किया हुआ है। डिजाइन को आप देख सकते हैं, पहले ये वाला जो है हैंडल के ऊपर का ये पूरा वाइजर ब्लैक आता था, तो जो कि अभी वाइट कलर का कर दिया है। और आप देख सकते हैं बाकी सब कुछ सेम है। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप आना एक मिनट। तो ये LED स्क्रीन है, आप देख सकते हैं, जो कि अब टच नहीं है। इनको कंट्रोल करने के लिए आपको ये सारे बटन दिए हुए हैं, यहीं से आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, ऐसा ही ना। तो इसमें ये पहले केवल दो बटन होते थे, तीन बटन, और अभी इसमें आप देखेंगे बहुत सारे बटन कर दिए हैं। ये वाला बटन थोड़ा चेंज कर दिया है, लुक पूरा पुराना देखेंगे और नया देखेंगे तो बहुत सारा इसमें चेंज आपको देखने को मिलेगा। ये वाला क्या है, नया वाला, ये वाला अच्छा, रिवर्स का भी इसमें अभी बटन दे दिया है। और ये मोड चेंज करने का तो कोई काम करेगा ही नहीं, करेगा इसमें नहीं, एस में तो मोड नहीं है ना। अच्छा, ये उसमें और नॉर्मल में नहीं है। अच्छा, ये प्रो है। अच्छा, ये इसमें भी दो मॉडल हैं, एस वाले में भी प्रो है और एक नॉर्मल है। अगर आप प्रो लेते हैं तो ये जो मोड वाला बटन है ये काम करेगा, और अगर आप नॉर्मल लेते हैं तो उसमें ये बटन काम नहीं करेगा। अच्छा, इसकी रेंज क्या है? 90 है ट्रू रेंज। अच्छा, 115 सेटिस्फाइड है। अच्छा, 115 है। अगर चार्जिंग करते हैं तो कितने किलोमीटर की होती है? 90 की होती है। जो पहले 105 वाली आई थी वो बंद कर दी क्या अभी? डिसकंटिन्यू हो गई, उसको अपडेट कर। अच्छा, तो अभी ये चल रही थी और, है ना। तो ये है भाई 450S, ये 90 किलोमीटर चलती है और ये ट्रू रेंज बताई जा रही है। 115 का क्लेम है कंपनी का, पर 90 किलोमीटर ही चलेगी गाड़ी, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी और तो कुछ इसमें चेंजेस हुआ नहीं है। इसके अंदर थोड़ी ना कुछ परिवर्तन हुआ है, तो इसका बूट स्पेस देख लेते हैं। बूट स्पेस तो भाई पहले वाला ही सेम वही है, बस इस तरीके से इसको 450S कर दिया है। और जो टच स्क्रीन है उसको अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है सभी गाड़ियों में, अभी टच स्क्रीन वाली गाड़ियाँ मिलेंगी नहीं। जो भी है ये डिजिटल मीटर ही वाला ही है सिस्टम साथ सब में। ये बटन आप थोड़ा परिवर्तन किया है तो आप देखेंगे इसमें, यहाँ से आप इसको पूरा कंट्रोल कर पाएंगे। ये जो बटन है इसको इधर करेंगे तो ये आपके फंक्शन चेंज हो जाएंगे। ये देखिए चेंज हो रहे हैं, और ये रिवर्स वाला हो ही गया, बाकी सब कुछ सेम है। इसकी प्राइस क्या चल रही है अभी ऑन रोड? विदाउट प्रोपे का आप लेते हो तो 142,691 जी, नॉर्मल वाली 142,691 और प्रो लेते हो तो 157,000। पहले से सस्ती हुई है, पहले 166,000 की थी साथ। नहीं, वो दूसरा मॉडल है, वो टच स्क्रीन वाला है। अच्छा, टच स्क्रीन वाला वो एक्स वाला है। अच्छा अच्छा, तो एक्स वाले तो अभी भी टच में आ रहे हैं, बाकी एस वाले कोई सा भी टच स्क्रीन नहीं मिलेंगे गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू। वही तो काम है, यहाँ से पूरा।